फर्नांडो राउजो एक सीधा साधा इंसान है जो दिन रात चरस फूंकता है। उसका मानना है कि क्रिएटिविटी का सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से है, विच इज ट्रू। और ब्रेन रिलैक्स रहेगा तो आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो ये एक क्रिएटिव पेंटर है, एक जूडो इंस्ट्रक्टर है और एक साइकियाट्रिस्ट भी है। नहीं, साइकियाट्रिस्ट नहीं है। मैंने बिना फंबल करे साइकियाट्रिस्ट। तो ब्रेन को रिलैक्स रखने के बावजूद भी इसे ऐसा लगता है कि लाइफ में अभी भी कुछ मिसिंग है। एक रात सड़क पे गेड़िया मारते हुए वो सिगरेट पीने लगा, तभी एक कार उसकी सिगरेट जलने से पहले ही उसे बुझा के चली गई। फ्रस्ट्रेशन में उसने सिगरेट फेंक दी, जो बारिश के पानी में तैरते हुए सीवर में चली गई, वो भी ठीक बैंक के सामने। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन वाला आइडिया आया। अगले दिन वो अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के पास गया, जो कि एक सिविल इंजीनियर था। फर्नांडो ने उसे बैंक लूटने का आइडिया बताया। सेबेस्टियन को उसका आइडिया पसंद तो आया, लेकिन इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए थे, और ये चीज़ें आएंगी पैसों से, जो इन दोनों में से किसी के पास भी ना था। इसलिए फर्नांडो पैसे वाली पार्टी डिबाउजा के पास गया, लेकिन हकीकत में डिबाउजा कंगाल था। मैंने आईफोन भी किस्तों पे लिया था और अब मुझसे उसकी किस्त भी ना भरी जा रही, तो मेरी तरफ से तो ना है। लेकिन उसने फर्नांडो को अपने दोस्त मारियो के पास जाने के लिए कहा। मारियो तो नेक्स्ट लेवल फिल्म है। वो रात को एक कंपनी से चोरी करके ऐसे निकल रहा जैसे अपने ससुराल से निकल रहा हो। अगले ही पल उसकी सासू माँ ने उसे देख लिया। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो यहाँ कुछ फाइल्स लेने आया था। वो क्या है ना, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, इसलिए फाइल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। बस फिर क्या, लड़की ने उस पर डाउट नहीं किया और वो निकल गया। ऐसे लोगों को ठस्सा देने के लिए उसने बाकायदा एक्टिंग की क्लासेस भी ले रखी थी। मारियो की लाइफ की एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी बेटी। नहीं मतलब उसकी बेटी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी उसके कर्म देखते हुए अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। ये थी प्रॉब्लम। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी नज़र में वापस से हीरो बनना ही उसका सबसे बड़ा गोल था। खैर मारियो बेशक चोर हो, लेकिन उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। वो अपनी चोरी के पैसों को बचा के रखता था, इसलिए फर्नांडो उससे मिलता है ताकि वो मारियो को बैंक की लूट के प्लान में शामिल कर सके। मारियो इसके लिए शुरू शुरू में तैयार नहीं हुआ, लेकिन फर्नांडो ने उसे ये कह के कन्वेंस कर लिया कि इसके बाद उसे कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब फर्नांडो उसे ड्राइव करके बैंक के सामने ले गया, जहां उसने सीवर को नापने के लिए मेजरिंग टेप डाली। ये काम वो ठीक बैंक के सामने कर रहा था, और ऐसा करने की हिम्मत उसे कहां से मिल रही थी ये आपको पता ही है। इसके बाद वे दोनों मेजरिंग टेप का नीचे वाला हिस्सा देखने के लिए सीवर में गए। फर्नांडो ने थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि वे मिलेनियर बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है। अब मारियो, डिबाउजा और फर्नांडो साथ में बैठ के आगे प्लान डिस्कस कर रहे थे। वे लोग बैंक के नीचे टनल खोदने वाले थे, लेकिन बैंक के अंदर सभी रूम्स में मोशन सेंसर लगे हुए थे। फर्नांडो उनके लिए भी तैयार था। मोशन सेंसर मूवमेंट डिटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वे तो सिर्फ टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को डिटेक्ट करते हैं। इसलिए फर्नांडो ने एक ऐसा सूट बनाया जिससे वे लोग मोशन सेंसर को चकमा दे सकते थे। अब बस एक ही प्रॉब्लम थी, उन्हें ये नहीं पता कि बैंक वॉल्ट को खोलना कैसे है। इसलिए अगले दिन ये लोग बैंक जाते हैं। फर्नांडो पार्किंग लॉट की पिक्चर्स लेने लगा। पार्किंग एरिया बैंक के ठीक पीछे था। अब वो सेबेस्टियन के साथ बैंक के अंदर आ गया, जहाँ सेबेस्टियन अकाउंट खुलवाने का दिखावा कर रहा था, वहीं फर्नांडो ठस्से में बैंक की पिक्चर्स ले रहा होता है। तभी उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी आई है। वो तुरंत अपना कैमरा जेब में रख के वहां से जाने लगा, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने उसे रोक लिया। क्या कोई प्रॉब्लम है, आप जरा मेरे साथ आइए सर। सिक्योरिटी वाला उसे चेकिंग के लिए लॉकर के ठीक सामने ले गया। सो यहां में पता चलता है कि सिक्योरिटी की नज़र में आना भी प्लान का हिस्सा था, ताकि फर्नांडो बैंक के लॉकर रूम तक पहुंच सके। सिक्योरिटी वाले भैया ने कैमरा को अच्छे से मोलेस्ट किया, हर तरफ से छू के देखा, पर उसे फोटोज़ नहीं मिली, क्योंकि फर्नांडो ने चिप को हाथ में छिपा रखा था। इसके बाद फर्नांडो ने बैंक का नक्शा ड्रॉ किया, शायद इसने इसी दिन के लिए पेंटिंग सीखी थी। फर्नांडो ने प्लान बनाया कि ये इस छोटे रूम से बैंक में एंट्री करेंगे। अगले दिन ये टनल से बैंक की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए एक एटलस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल का पहिया जितनी बार भी घूमेगा उसी हिसाब से दूरी कैलकुलेट करी जाएगी। ये लोग इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेते तो CGL ना सही, MTS तो निकाल ही लेते। अगले दिन फर्नांडो मैथ के सर की तरह मारियो को समझा रहा है कि हमें किस एंगल से खुदाई करनी चाहिए जिससे हम बैंक तक पहुंच सके। आज फाइनली मारियो को पता चल गया कि असल जिंदगी में मैथ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली बैंक लूट के। फिर रात में फर्नांडो और बाकी लोगों ने सीवर में खुदाई शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने एल्बर्टो नाम के बंदे को हायर किया, जो भागते टाइम इनके लिए गाड़ी तैयार रखेगा। अगले दिन मारियो एक वैन चुराता है। चोरी के बाद ये लोग भागने में इसी वैन का इस्तेमाल करने वाले थे।
यहाँ ये एल्बर्टो और उसकी वाइफ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी एक पुलिस कार यहाँ पर आ गई। ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी कर रखी है? सर अभी तक गाड़ी को लिटाने का फीचर नहीं आया ना, इसलिए खड़ी कर रखी है। तभी एल्बर्टो और उसकी वाइफ आ जाती है। उन्होंने सिचुएशन संभालते हुए कहा कि ये लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। इस लेडी को देखकर पुलिस का सारा शक दूर हो गया। ये मारियो कुछ टीनू आनंद जैसे नहीं लग रहे? कमेंट करके बताना कि मुझे ही लग रहे हैं या आपको भी। रात में इनकी खुदाई भी जारी थी। ये वर्ड बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। खैर खुदाई करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें इनकी ड्रिल टूट गई। फर्नांडो ने कहा, टेंशन नॉट, अपना भाई सुपर मारियो बहुत पैसे वाला है। ये सुनकर मारियो का दिमाग घूम गया क्योंकि वो पहले इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगा चुका था। उसी रात फर्नांडो अपनी बंदी के साथ सस्ते नशे कर रहा था। इन तारों को देख रही हो बेबी, ये तारे उन तारों से बिल्कुल अलग है जिन पे हम कपड़े सुखाते हैं। वैसे ये तारे आसमान में दिखते तो है पर होते नहीं है। ये सुनते ही फर्नांडो की दिमाग की बत्ती जली। वो सीधा मारियो के पास गया और फर्नांडो ने उसे उसका मास्टर प्लान समझाया। बैंक दिन या रात दोनों टाइम में सिक्योर रहता है। अगर कोई मेन गेट से चोरी करने के लिए घुसे तो उसको पकड़ने के लिए भी अच्छे इंतजाम है, और अगर कोई टनल खोद के घुसने की कोशिश करे तो उसे रोकने के लिए भी बैंक ने काफ़ी सारे डिवाइसेस लगा रखे हैं। लेकिन अगर कोई एक साथ ये दोनों काम करे तो उस वक्त बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट, ये लोग दिन दहाड़े मेन गेट से घुसेंगे ताकि पुलिस को लगे कि ये कोई नॉर्मल चोरी है और वे इन्हें ईजिली पकड़ सकते हैं। लेकिन ये घुसेंगे तो मेन गेट से, लेकिन बाहर निकलेंगे टनल से, जो कि पुलिस ने कभी सोची ना होगी। मारियो भी लाइक मस्त प्लानिंग। बैंक रॉबरी वाले दिन ये सब अपनी उंगलियों पर ग्लू लगा लेते हैं ताकि फिंगरप्रिंट छुपाए जा सके। सेबेस्टियन अपना काम करने के लिए सीवर से होते हुए जाता है जबकि फर्नांडो और बाकी लोग भेस बदल के बैंक में घुसते हैं। मास्क पहनने के बाद मारियो और डिबाउजा फर्स्ट फ्लोर को संभालते हैं और फर्नांडो और एल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर को। सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें सीसीटीवी पे देखते ही पुलिस को बुला लिया। अब मारियो कैशियर को बैग में पैसा भरने के लिए बोलता है जबकि एल्बर्टो पार्किंग में जाके वहाँ का गेट बंद कर देता है। पुलिस बैंक के बाहर आ चुकी थी इसलिए फर्नांडो ने एक बंदे को गन पॉइंट पे ले लिया और पुलिस को धमकाया कि अगर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की तो बैंक में लाशें बिछा दी जाएगी। इसी के साथ फर्नांडो ने अपने साथियों को बताया कि चोरी का फेज वन कम्प्लीट हो चुका है। ये सुनते ही मारियो ने सिक्योरिटी वाले को बाहर आने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो बाहर को ना चले, लेकिन मारियो ने उसे धमकाया और फाइनली वो बाहर आ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले एक फ़ोन दिया कि पुलिस अगर उससे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इस फ़ोन से कर सकती है। इसके बाद इन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए। फिर फर्नांडो एक छोटे से रूम में जाके वहाँ पे लगा कैबिनेट हटाता है। दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में से एक मशीन लाते हैं और फिर वोल्ट में आकर उस मशीन को असेंबल करने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन ने एक कैनन पावर मशीन बना ली थी जो मात्र 7 सेकंड में लॉकर को तोड़ सकती थी। इसके बाद सबने अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लिया और सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर्स को तोड़ने में लग गए। यहाँ टोटल 400 लॉकर थे इसलिए इन्हें सारे लॉकर्स को तोड़ने में टाइम लगने वाला था। इधर पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड की मदद से अंदर की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर्स को तोड़ने में लगे हुए थे। अचानक मारियो को छत पे पुलिस के चढ़ने की आवाज़ आई। उसने तुरंत पुलिस वाले को कॉल करके धमकाया। यहाँ फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि फर्नांडो ने इस सिचुएशन के लिए भी तैयारी कर रखी थी। उसने मारियो को आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बुक पढ़वाई ताकि वो पुलिस के साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सके। मारियो ने कैप्टन से कहा कि अगर जनता की जान प्यारी है तो अपने आदमी को छत से वापस बुला लो। कैप्टन ने वैसा ही किया जैसा मारियो ने उससे करने को कहा था, लेकिन फिर भी उसने 2 स्नाइपर्स को सामने वाली बिल्डिंग में भेज दिया ताकि मौका मिलने पर चोरों का भेजा उड़ाया जा सके। सुपर मारियो ने सरकारी वकील से मिलने की डिमांड करी। कैप्टन ने उससे कहा कि वकील 1 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगा। इधर फर्नांडो और सेबेस्टियन अभी तक कई सारे लॉकर्स तोड़ चुके थे जिनमें बहुत सारा कैश, गोल्ड और कीमती चीज़ें थी। ऊपर एक फ़ोन बजता है। ये फ़ोन दादी का था। दादी ने बताया कि आज उनका बर्थडे है। ये सुनते ही मारियो दादी के पास बैठ गया। वैसे भी बुढ़िया के पास कम ही बर्थडे बचे थे सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए मारियो ने एक जने से चॉकलेट लेके दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया और फिर बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दादी को बाहर भेज दिया गया। इसके बाद सरकारी वकील भी आ गया। जैसे ही सरकारी वकील ने मारियो से बात करी, मारियो उसे गाली देने लगा और कहने लगा कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। अब मारियो अपने वकील से बात करना चाहता था जब कैप्टन ने उससे उसके वकील का नंबर मांगा
तो मारियो ने वहाँ के किसी हॉस्टेज का नंबर दे दिया और फिर आवाज़ बदलकर खुद का ही वकील बनकर कैप्टन से बात करने लगा ताकि उसके साथियों को थोड़ा और समय मिल सके। अब मारियो फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्टेजेस को संभाल रहा था जबकि फर्नांडो और बाकी लोग लूट के सामान को टनल में ट्रांसफर कर रहे थे। तभी बाहर कैप्टन की नज़र सीवर पर पड़ी और उसने आइडिया लगा लिया कि लुटेरों ने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बना लिया है। इसी बीच लूट का सामान बोट में चढ़ाने के बाद फर्नांडो ने अपने सारे हथियार पुलिस के लिए वॉल्ट में छोड़ दिए। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनके सारे हथियार नकली थे क्योंकि फर्नांडो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लोग नकली हथियार लाए थे। इसके बाद मारियो होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ के फर्नांडो के पास आ जाता है। मारियो के जाने के बाद होस्टेजेस को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने फ़ोन उठाए और बाहर खड़े अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगे। ये देखते ही कैप्टन ने एक टीम को बैंक के मेन गेट से अंदर भेजा जबकि दूसरी टीम को सीवर के रास्ते से जाने के लिए कहा। सुपर मारियो वहाँ फटाफट पोछा लगा के टनल से होते हुए अपने साथियों के पास आ गया। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फर्नांडो जानता था कि पुलिस सीवर के बारे में पता लगा लेगी, इसलिए उन्होंने सीवर के मुंह पे एक बांध बना दिया जिससे वे पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में जा सके, वो भी एक मोटर बोट से। दूसरी तरफ कैप्टन उस रूम में पहुंच गया जहाँ पे टनल था। लुटेरों ने टनल का मुंह एक बॉम्ब से ब्लॉक कर रखा था। हालांकि कैप्टन को पता चल गया कि लुटेरों के दूसरे हथियारों की तरह ये बॉम्ब भी नकली है, लेकिन अब ये सब जानने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लुटेरे बहुत ही समझदारी से अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल गए थे। अब इनके पास चोरी का इतना पैसा था जितना पॉलिटिशियंस के पास भी नहीं होता। इन्होंने पैसे को आपस में बराबर बांट लिया। अब कुछ महीने बीत चुके थे, सभी लोग अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे थे। हालांकि एक दिन एल्बर्टो की वाइफ ने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया। वो उस पर इतना भड़की हुई थी कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने चली गई। उसने पुलिस को बैंक रोबरी के बारे में भी सब कुछ बता दिया जिसकी वजह से एक एक करके सब पकड़े जाने लगे। इसके बाद हम मारियो को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते अच्छे करके सुपर मारियो बन गया था। वो बहुत खुश था, उसकी असली खुशी उसकी बेटी थी जिसके पास वो फाइनली लौट आया था। अगले ही पल उसने टीवी चला के देखा तो उसकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। उसने बालकनी से बाहर देखा, पुलिस उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती बाथरूम में बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अपने बाप को इस हाल में देखे, पर पुलिस ने तो उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उन दोनों को हथकड़ी लगाकर ज़मीन पर लेटा दिया गया। दूसरी तरफ फर्नांडो जो कि किसी पहाड़ी एरिया में कैंपिंग कर रहा था उस तक भी पुलिस पहुँच गई थी। ये अंकुरवारी को जैसे दिखने वाले पुलिस ऑफिसर ने फर्नांडो से उसकी आईडी मांगी। अल पचिनो जैसे दिखने वाले फर्नांडो ने कहा कि मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल आया हूँ। उसका झांसा काम नहीं आया और उसे भी पकड़ लिया गया। हालांकि 1 साल 7 महीने के बाद उसकी सज़ा पूरी हो गई। जेल के बाहर मारियो अपनी लग्जरी कार में उसका इंतज़ार कर रहा था। फर्नांडो ऐसी सिचुएशन के लिए भी पहले से ही तैयार था जिसमें अगर वे पकड़े गए तो भी उन्हें कम से कम सज़ा मिले, इसलिए उसने असली हथियारों की जगह नकली हथियार इस्तेमाल किए थे। और जैसे कि बैंक सेफ्टी डिपॉजिट्स के कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में कितना पैसा चोरी हुआ था। माना जाता है कि ऑलमोस्ट $25 मिलियन चोरी हुए थे और उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन ही रिकवर हो पाया, जिसका मतलब है कि चोरों ने अपनी लूट का एक मोटा हिस्सा छुपा दिया था जिसे उन्होंने बाहर निकल के एंजॉय किया। और जैसे कि बैंक के पास सेफ्टी डिपॉजिट्स के रिकॉर्ड नहीं थे इसलिए पुलिस लुटेरों के खिलाफ एक मजबूत केस नहीं बना पाई और वे सब जल्द ही जेल से रिहा हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye-bye.